हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने जाएंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। सो इस एक्सरसाइज में हमें मेन टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ डिटर्मिनेंट के बेसिक्स याद रखने हैं एंड वी आर गुड टू गो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले आप देखिए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं। तो x1 y1 एक को मान लेते हैं, एक को x2 y2 मान लेते हैं, एक को x3 y3 मान लेते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट्स में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जैसे हमने 10th क्लास में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये कुछ कुछ वैसा ही है, बस डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट से है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, 10th में भी ऐसे ही था, हाफ फॉर्मूला होता था। तो इसमें बस जो हाफ के साथ मॉडुलस में जो फॉर्मूला है वो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में आएगा। तो आपने ऐसे लिखना है x1 y1 x2 y3 x2 y2 x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो बेसिकली दिस इज योर फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर द होल एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी है, मैं हर क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी एंड बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, आपको बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो तीनों वर्टिसेस को आप मान लीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपके तीन वर्टिसेस हो गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो आप बस वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ x1 y1 मतलब 1 0 1 0, x2 y2 मतलब 6 0, x3 y3 मतलब 4 3, और आपके पास 1 1 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, हाफ आपके पास है ही है, ये प्लस माइनस प्लस, आपके पास डिटर्मिनेंट्स की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे हम एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स, तो साइन ऐसे ही होता है, प्लस माइनस प्लस। तो आप ये 1 सबसे पहले लिखेंगे, तो 1 लिखते हैं तो 1 का पूरा कॉलम एंड पूरी की पूरी रो भूल जानी है। तो 1 ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो भूल गए, तो क्या बचा, 0 × 1 = 0 माइनस 3 × 1 = 3। नेक्स्ट 0 पे आ जाते हैं, तो 0 का पूरा कॉलम एंड पूरी की पूरी रो भूल जाएंगे, ये कॉलम एंड ये रो, तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6 माइनस 4 × 1 = 4 प्लस, अब लास्ट में क्या आता है, प्लस 1, तो 1 का कॉलम एंड 1 की रो भूल जाएंगे, आपके पास क्या बचा, 6 × 3 = 18 माइनस 4 × 0 = 0। तो इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास बेसिकली ये मॉड्यूलस है, ये गलती से मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ है, मॉड्यूलस है। तो 18 − 3 = 15, 15 × 1/2 = 15/2, और कोई यूनिट्स नहीं है, तो क्योंकि ये एरिया है तो आप स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। तो इसके जो बाकी पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसी फॉर्मूला से करेंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखिए, हमने 10th में भी पढ़ा था कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, मीन्स उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। कोलिनियर मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो एक ही लाइन के ऊपर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कुछ बनेगा नहीं, 10th में भी पढ़ा था, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ क्या होता है यहाँ पे, x1 y1, तो आपके पास ये रहा x1, ये रहा y1, फिर होता है x2 y2, तो x2 y2, x3 y3, x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1। फिर क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, तो हाफ आप ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, a, तो a लिख रहे हैं तो पॉजिटिव है, a का रो और a की कॉलम आप भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा, 6 + a × 1 6 + a माइनस a + b × 1 वुड बी a − b। देन सेकेंड माइनस साइन है b + c, तो माइनस बाहर ही लेंगे b + c, तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो आप भूल जाएंगे, तो क्या बचा, b × 1 = b माइनस c × 1 = c। देन लास्ट प्लस 1 बचा, तो प्लस 1 लिखेंगे, ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो भूल जाएंगे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b × a = ab, b × b = b² माइनस c × c = c², c × + a = ac, बट बाहर माइनस है तो −ac। देन हाफ अंदर सॉल्व कर लेते हैं, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, a × c = ac, a − b − ab, यहाँ पे b + c और b − c, फॉर्मूला क्या बनता है, b² − c², बट बाहर माइनस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, −b² + c². देन ab
ए बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी। अब देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो जीरो बच जाता है, जीरो इंटू हाफ इज जीरो। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आता है देयर फॉर इट मीन्स ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फोर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर। अब देखिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी दे रखा है और वर्टिसेस दे रखे हैं, मतलब फॉर्मूला वही लगना है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आपको फोर दे रखी है। तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, हाफ यहाँ पे क्या होगा एक्स वन वाई वन यानी कि के जीरो, के जीरो एक्स टू वाई टू यानी कि फोर जीरो, फोर जीरो एक्स थ्री वाई थ्री यानी कि जीरो टू, जीरो टू वन वन वन। अब क्या करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, देखिए ये टू इधर जाके फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एट बन जाएगा इज इक्वल टू। अब प्लस माइनस प्लस ये साइन होते हैं, अब के लिखेंगे सबसे पहले के, ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो भूल जाइए, जीरो इंटू वन इज जीरो माइनस टू इंटू वन इज टू, देन नेक्स्ट माइनस जीरो तो माइनस जीरो, तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो भूल जाइए, तो फोर इंटू वन इज फोर माइनस जीरो इंटू वन इज जीरो, देन प्लस वन तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो जो है आप भूल जाएंगे तो क्या बचेगा फोर इंटू टू इज एट माइनस जीरो इंटू जीरो इज जीरो। तो आगे सॉल्व करते हैं, एट इधर आ गया, के इंटू माइनस टू इज माइनस टू के, ये जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, वन इंटू एट इज एट, तो माइनस टू के प्लस एट। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जब हटता है तो दूसरी तरफ प्लस या माइनस में लगता है, तो आपके यहाँ पे प्लस माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू के प्लस एट। अब दो केसेस बनेंगे, देखिए एक बार इस चीज को प्लस एट के बराबर लेंगे, एक बार इस चीज को माइनस एट के बराबर लेंगे, तो करते हैं आगे। तो आपके पास दो केस बनते हैं, एक बार प्लस एट लेंगे माइनस टू के प्लस एट को, तो यहाँ पे ये एट इधर जाके माइनस एट हो जाएगा यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस टू के, की वैल्यू जीरो आ जाएगी। एक बार केस टू में माइनस एट लेंगे, ये एट इधर जाके माइनस एट हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपके पास एट आ जाएगी, दो वैल्यूज आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, देखिए जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बोला होगा तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से इसे निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो तीन वर्टिसेस होते हैं, आपको यहाँ पे दे रखे हैं दो, तो जो नहीं दे रखा आप उसको सपोज कर लीजिए। तो एक को हम मान लेंगे एक्स वाई एक वर्टिक्स है, दो बाकी आपको दे रखे हैं वन टू एंड थ्री सिक्स। तो एरिया ऑफ लाइन पूछा है, ध्यान रखिए एरिया ऑफ लाइन हमेशा क्या होता है जीरो, तभी हम कोलिनियर में जीरो लेते हैं। तो एरिया ऑफ लाइन जीरो है मतलब आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है जीरो इज इक्वल टू हाफ। तो एक्स वन वाई वन क्या है हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख लेंगे, एक्स टू वाई टू है हमारे पास वन टू, तो वन टू लिख लेंगे, एक्स थ्री वाई थ्री हमारे पास थ्री सिक्स, तो थ्री सिक्स लिख लेंगे, यहाँ पे वन 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 बचा। तो प्लस माइनस प्लस साइन वैसे ही डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, तो इधर जीरो ही है हाफ, सबसे पहले एक्स लेंगे, एक्स प्लस में है ये वाला कॉलम, ये वाली रो भूल जाएंगे, टू इंटू वन इज टू माइनस सिक्स इंटू वन इज सिक्स, देन माइनस वन आता है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो भूल जाएंगे, तो वन इंटू वन इज वन माइनस थ्री इंटू वन इज थ्री, प्लस ये वाला वन वाली कॉलम और ये वाला रो भूल जाएंगे, सिक्स इंटू वन इज सिक्स माइनस थ्री इंटू टू इज सिक्स, तो हाफ। ये देखिए टू जो इधर जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर, माइनस फोर इंटू एक्स इज माइनस फोर एक्स, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वाई इज प्लस टू वाई, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो। अब देखिए मॉड्यूलस हटेगा तो इधर क्या लगेगा प्लस माइनस, अब जीरो के साथ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस माइनस लगे तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, तो सिंपल क्या लिखेंगे माइनस फोर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस फोर एक्स, टू वाई इधर आके पॉजिटिव टू वाई। तो अगर मैं कैंसिल करती हूँ टू टू जा फोर तो यहाँ पे टू एक्स बचता है, टू वन जा टू यानी कि यहाँ पे वाई बचता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पूछी थी तो आपको पता है एक्स एंड वाई की फॉर्म में आएगी, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, आपका एमसीक्यू है, बहुत ही आसान है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए, के की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो बहुत ही आसान है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ऑनलाइन लेक्चर्स बेनिफिट दे रहे होंगे, बट प्लीज इसको सिंसेयरली जितना मैं कर रही हूँ आपको अपलोड उतना आप करते जाइए साथ के साथ ही, बिकॉज वी डोंट नो ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, तो आपका पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना आपका लॉस हो जाएगा, तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं तो वो लॉस बच जाएगा। अभी इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट भी होगा। आई विल टेल यू कि आप वो टेस्ट कैसे देंगे,
सो तब तक आप प्लीज़ ये डिटर्मिनेंट चैप्टर प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.